हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोपात हार्वी में। फ्रेंड, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर आप कार यूज़ करते हो ड्राइविंग के लिए डे टू डे। फ्रेंड्स, हालांकि बहुत सारे लोगों के माइंड में एक डाउट होता है कि एसी करे तो कार का जो माइलेज है वो ड्रॉप होता है। हालांकि ये जो मेंटालिटी है बहुत ही गलत है फ्रेंड्स, बहुत ही गलत है। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आप बने रहिएगा टेक्नोपार्क आरवी के साथ। मैं राहुल व्यास इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ बेसिक जानकारियां एसी के रिगार्डिंग दूंगा। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपने गाड़ी एसी की हुई है, अभी क्या होता है कि एसी जो कि है कार में, उसमें कूलिंग सेक्शन होता है और एक होता है फैन सेक्शन, जहाँ से एयर सर्कुलेट होती है एटमॉस्फेयर में से अपनी जो कार की बॉडी है, सिस्टम है उसमें। तो हालांकि जो फैन होता है जो एयर सर्कुलेट करता है, वो फैन चलता है हमारे कार की बैटरी से। अभी बैटरी का जो पावर है वो तो हमें पता ही है कि इजली जो कार है उसमें बैटरी आती है, उसी में से नॉर्मली वो पावर लेके फैन को चलाता है। जहाँ तक बात है कूलिंग सेक्शन की, तो वो जैसे कि हमारा जो इंडोर जो एसीस होते हैं और रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसमें जो पंप्स आते हैं, ओके, कॉम्प्रेसर जिसे हम कह सकते हैं, तो वो वहाँ पे जो वर्क करता है कार में कंप्रेसर, वहाँ भी बिल्कुल सेम ही है, लेकिन जो पावर लेता है वो इंजन से आता है। अभी इंजन में एक पुली होती है नॉर्मल सी, और कंप्रेसर का जो शाफ्ट है उसको बेल्ट से यहाँ पे कनेक्ट किया होता है। तो पावर का जो डिफरेंस यहाँ पे होता है कि भाई, मान लीजिए कि आप कार चला रहे हो और आपको लगता है कि भाई मैंने एसी चालू किया है तो माइलेज ड्रॉप होगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। अभी कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, सोचते हैं कि यार कम एसी रखते हैं तो फिर कम माइलेज ड्रॉप होगा, यानी कि जो हमारा कार में जो स्विच होता है एसी का, तो उसमें हीटिंग कॉइल यानी कि रेड जो प्लग है वो रेड साइड करो या फिर कूलिंग यानी कि ब्लू साइड करो। तो लोग सोचते हैं कि यार ब्लू साइड करेंगे तो हाई रहेगा, तो ज़्यादा कूलिंग मिलेगा, तो ज़्यादा पावर खाएगा, माइलेज कम आएगा, और इसी सोच के वजह से लोग है कि करते हैं भाई मीडियम रखे या कम रखे कूलिंग या फिर ओनली फैन ही रखे। तो ये बात आज हम क्लियर करेंगे, इसमें कुछ फ़र्क नहीं होता फ्रेंड्स, आप कम रखे, ज़्यादा रखे या फिर हाँ बंद रख दीजिए एसी को, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि पावर कंजप्शन है वो सेम ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो पावर लेता है एसी का कूलिंग सेक्शन यानी कि जो कंप्रेसर, वो बेल्ट से इंजन से लेता है। फ्रेंड्स, माइलेज कब ड्रॉप होता है? एसी से सिर्फ तभी माइलेज ड्रॉप होता है जब आप ड्राइविंग नहीं कर रहे होते हो, या मतलब कि आपने गाड़ी सिंपली स्टार्ट की, न्यूट्रल पे रखी और इंजन सिंपली अभी वर्क कर रहा है, और तब आप सिंपली खड़ी रख के आप जब एसी चला रहे होते हो, तो आपका जो इंजन है वो सिर्फ और सिर्फ एसी को पावर देगा, क्योंकि ड्रिवन के लिए यहाँ पे मतलब कि ड्राइव करने के लिए कोई पावर यहाँ पे लगता ही नहीं है। दूसरी बात, तो जब आप ड्राइव करते हो, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत ही ब्रेक्स लगानी पड़ती है, बार बार आपको क्लच दबा के रिलीज़ करना पड़ता है, गियर शिफ्टिंग करना पड़ता है, तब आपका क्या होगा कि जो पावर है इंजन का वो मतलब ड्राइविंग पार्ट में नहीं जाएगा और वहाँ पे कंज्यूम होगा कि कंप्रेसर के लिए जो पावर है वो ट्रांसमिट हो जाएगा, तभी आपका जो माइलेज है वो कम होता है। हालांकि फ्रेंड्स, इसमें माइलेज कम नहीं होता, लेकिन जो आपका फ्यूल है वो पावर ट्रांसमिट सिर्फ ओनली एसी को करता है। और दूसरी बात, जहाँ पे एसी की बात है, तो एसी आप कम रखो ज़्यादा रखो कुछ मायने नहीं रखता फ्रेंड्स, क्योंकि जो पावर है वो उतना ही कंजप्शन होगा जितना आप कम रखोगे या फिर ज़्यादा रखोगे। तो माइलेज का ज़्यादा कुछ यहाँ पे
डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप एसी चालू रखते हो या कम या फिर बंद रखते हो। तो ये कुछ बात थी फ्रेंड्स। हालांकि ध्यान रखिएगा कि जो फैन है वो बैटरी से पावर लेता है, तो वो माइलेज का कनेक्शन नहीं हुआ, और हम म्यूज़िक बजाते हैं वो सब भी बैटरी से ही चलता है, तो फैन का तो कुछ रहा ही नहीं कि यार माइलेज में कोई प्रॉब्लम आएगा। और बैटरी का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ज़्यादा बैटरी खाता भी नहीं है, छोटा सा फैन होता है जो कि एयर सर्कुलेट करता है। ओके, तो ये था एयर सर्कुलेट वाला ऑप्शन, और आप इजीली उसको ऑन रख सकते हो, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता फ्रेंड्स। दूसरी बात, यहाँ पे एक मैंने जैसे कि कहा कि एसी है, जो वो एसी यहाँ पे किसी भी तरह से माइलेज में फ़र्क नहीं करता है फ्रेंड्स, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हालांकि मैं कहूँगा कि आप एसी को मीडियम रखिए, माइलेज की वजह से नहीं, लेकिन जो एसी का जो कूलिंग जो इफ़ेक्ट है वो सबसे बेहतरीन आता है कि जब आप एसी को मीडियम रखते हैं, ज़्यादा लो भी ना रखें और ज़्यादा हाई भी ना रखें, क्योंकि इसकी वजह है कि जो जो कंडेंसर होता है, जो कि एयर होती है उसको कोल्ड करता है, उसमें से हीट एब्जॉर्ब करके हमें ही ठंडी एयर प्रोवाइड करता है। तो उसमें कार में क्या होता है, फ्रंट में जो इंजन सेक्शन होता है, तो वहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा कूलिंग करना चाहेंगे तो वो आपको एफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हीट होती है इंजन की। तो मिडल रखिए, क्योंकि तो बेहतरीन आपका जो कूलिंग इफ़ेक्ट है वो मेंटेन रहेगा। तो ये थोड़ी सी बात थी एसी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स। आप अपने और अपने दोस्तों को ये बात अच्छे से समझा लीजिए कि यार एसी कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है, माइलेज ड्रॉप नहीं होगा। अगर आप हाईवे पर कंटिन्यूस सेम स्पीड पे चला रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन है, तब आपका जो पावर है वो उसमें बिल्कुल नहीं कंजप्शन होगा एसी के लिए, क्योंकि आप कंटिन्यूस हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो और शाफ्ट मतलब व्हील को भी पावर सप्लाई कर रहा है, और उसी स्पीड पे वो कंप्रेसर को भी पावर दे रहा है, तो कुछ माइलेज ड्रॉपिंग का इश्यू नहीं होगा। हालांकि आप जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो और आपको बहुत बार ब्रेक्स लगानी पड़ती है, तब आप अगर एसी को ऑफ़ कर दीजिएगा तो बेहतर होगा, ओनली फैन ही ऑन रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हाईवे पर चला रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन है कि आप एसी चालू ही रखें, तो आपका जो इश्यू है, आपका हेल्थ है वो भी ठीक रहेगा। फ्रेंड्स, अभी गर्मी आ रही है, तो मेरा छोटा सा ये एक टॉपिक था, अगर आप कार चलाते हो तो उसमें एसी के रिगार्डिंग था। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोपाथ आरवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोपाथ आरवी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिखाए गए रेड रिंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, और हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं राहुल व्यास टेक्नोपाथ आरवी से आपसे जल्द ही मुलाकात होंगी, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।